एवरीवन, आज की क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल देखेंगे। देखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है लाभ, एक होता है हानि, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो आज की क्लास में हम डिसएडवांटेज के कुछ पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट है, ठीक है, तो नंबर वन, इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इमोशनल रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ ईमेल ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एंगर दिखाई देता है, गुस्सा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी के बॉस हैं, है ना, कंपनी के बॉस हैं, आपके एम्प्लॉई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी ईमेल सेंड किया जाएगा वो बहुत ही एंगरली सेंड किया जाएगा कि आप लोग काम नहीं करते हैं, मैं आपको वह जॉब से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे इमोशंस दिखता है, इमोशनल रिस्पॉन्स दिखता है कि किस तरह से रिस्पॉन्स किया गया है, ठीक है। सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखिए, जब ईमेल मैसेज यहाँ पे किया जाता है तो कई सारे अगर अटैचमेंट कर दिए जाएँ या बहुत सारी चीज़ें उसमें भर दी जाएँ तो मैसेज के साथ साथ क्या है, उसमें बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है वो। तो हमको जो है ऐसे ईमेल नहीं सेंड करना चाहिए जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट हो जाएँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। लैकिंग द पर्सनल टच। देखिए, लैकिंग द पर्सनल टच का मतलब क्या है कि जिस तरह से आदमी एक दूसरे से पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है वो सिर्फ ईमेल के थ्रू नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ईमेल कर दिया, आपसे बात कर ली ईमेल से, तो उतना बात करने से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। अगर आप पर्सनल टच में रहेंगे, आप अगर आप पर्सनल बातचीत करेंगे, एक दूसरे को पर्सनल टच देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट वन इज मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि देखिए, कुछ मैसेज का जो यहाँ पे वो रिप्लाई होता है समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को, ये क्या मैसेज किया गया है, किस तरह से ये ईमेल आया है, और उसको लोग जो है उसके कॉन्सेप्ट को जो है लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, और इससे वो उसको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट वन इज नो रिस्पाइट। नो रिस्पाइट का मतलब क्या है कि ईमेल जो आपका होता है एक गार्डन की तरह होता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पुराने मैसेज को डिलीट करते जाइए, कौन कौन से मैसेज आपको रखने हैं वो सभी तरह से काट छाट करते रहना चाहिए, जिससे आपका गार्डन बगीचा आपका बहुत ही अच्छा दिखे। तो इस तरह से यहाँ पे होता नहीं है। होता क्या है कि आजकल लोग जो है पुराने मैसेज को डिलीट नहीं करते हैं, सब पुराने नए सब भरे रहते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ये डिसएडवांटेज हमने देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की डिसएडवांटेज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।